सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिबूट को और प्रेस करें बेल आइकन पर, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। हेलो गाइस, आई एम शिवांग यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेटस बार को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा स्टेटस बार देख सकते हैं, ये एकदम कलरफुल और बिल्कुल चेंज है, ये नॉर्मल नहीं है। आप सोचेंगे ये तो ग्रेविटी बॉक्स से भी हो जाता है, लेकिन टच वॉच रोम्स में जो कि सैमसंग की रोम्स हैं, इन पर ग्रेविटी बॉक्स ढंग से काम नहीं करता है। मेरा भी सैमसंग का है और उस पर ग्रेविटी बॉक्स ढंग से काम नहीं करता है। तो मैं आपका आज इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप टचवॉच रोम पे भी अपना स्टेटस बार कैसे चेंज कर सकते हैं। देख जैसे कि मेरा है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सपो इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि एक्सपो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके बाद एसी मार्केट आपको डाउनलोड करना है, मैंने इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और फिर ये आपको फ्लैट स्टाइल बार इंडिकेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको एसी मार्केट में मिल जाएगा। आप एसी मार्केट खोलेंगे तो आपको सर्च बॉक्स रहेगा, आपको उसमें सर्च करना है। आप फ्लैट सीए डाल दीजिए तो भी आपका आ जाएगा फ्लैट स्टाइल बार इंडिकेटर्स। इसमें अच्छी बात यह है कि पूरा अनलॉक्ड है, इसमें आपको कोई भी ऐड वगैरह शो नहीं करेगा, तो आपको कुछ से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उसके बाद आप ये डाउनलोड करने के बाद आप अपने एक्सपो इंस्टॉलर में जाएं और इसको एक बार टिक करके इसे एक्टिवेट कर दें। देखिए, आप इसको टिक करके एक बार एक्टिवेट कर दें और उसके बाद मोबाइल अपना रिबूट कर दें, तो यह काम करना स्टार्ट कर देगा। अब चलिए हम इस FSBI को खोलते हैं। आपको आप ये जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि मैं आपको डाटा में बताऊँ, अगर आपका ये नेटवर्क में भी नहीं आता तो ये नेटवर्क भी कर देगा। और देखिए जैसे डाटा में कितने सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये है, मैं ये सिलेक्ट करना चाहूँगा। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है मेरा। अगर मैं को ये भी पसंद नहीं है तो मैं ये भी ले सकता हूँ। देखिए अब ये आ चुका है, अगर ये पसंद नहीं है तो मैं कुछ ऐसा ले सकता हूँ। इसमें आप काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा पसंद है और आप कैसा लगाना चाहेंगे। मेरा ये था नॉर्मली, तो मैंने यही कर दिया। इसके बाद आप देखिए इतने सारे ऑप्शन आएंगे, आप एक बार वाईफाई खोल के देख सकते हैं। जैसे कि मेरा देखिए वाईफाई एकदम कलरफुल है और एकदम सेंटर में है। मैं आपको बता दूं कि आप ये टाइम सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो आप ये आपको ये देख रहे होंगे, एरोज देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद ये देखिए इतने भी जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कैरियर लेवल्स, एंड्रॉयड का, ये रूट का, और ये एक्सपोज्ड का, और ये गैलरी वगैरह का आपको दे रखा है। ये सब आपके लेफ्ट में आएंगे। देखिए जैसे मैंने क्लॉक इधर सेंटर में डाल रखा, अगर मैं क्लॉक को उठा के इधर डाल दूँ तो देखिए मेरी क्लॉक लेफ्ट में आ गई है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं इसको उठा के वापस इधर डाल देता हूँ। आप कोई भी जैसा कुछ भी चाहते, जैसे देखिए मेरा भी बैटरी का बार कैसे राइट साइड में था, आप देखिए सेंटर में आ गया। आप इससे कोई भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, ये बहुत अच्छा है और आपको तुरंत समझ में आएगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपको क्लॉक चेंज करना है, क्लॉक के जैसे मैंने हार्स वगैरह लगा रखा है और इसमें डे वगैरह भी लगा रखा है, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, ये सिंपल है। और नेटवर्क स्पीड अगर आप नेटवर्क भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने डिसेबल कर दिया, मेरा नेटवर्क शो नहीं करेगा कि कितनी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड जा रही है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, पर मैं इसे इनेबल कर रखता हूँ। तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद आया वैसा कर सकते हैं। आपने इसमें सारे ऑप्शन आप चेंज करते हैं, लोकेशन से लेके देखिए लोकेशन का आप आइकन तक चेंज कर सकते हैं। अब ये पूरा कस्टमाइज़ कर देगा आपका स्टेटस बार, जितने भी आइकन्स आएंगे आपके सब चेंज हो जाएंगे। आप बस एक बार इसको यूज़ करके देखिए और इसको पूरा चेक कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि टच वेस रोम्स में ये हम नहीं कर सकते, कि आप बहुत लोग ऐसा लगता है कि हम सर्कल वाली बैटरी नहीं लगा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप टच वेस रोम्स में ये कर सकते हैं। पर ग्रेविटी बॉक्स कई बार दिक्कत दे जाता है, तो ग्रेविटी बॉक्स से बहुत सारे सैमसंग के टच वेस रोम्स में नहीं होता है, पर FSBI से आप सिंपली कर सकते हैं किसी का भी। और आप बैटरी का आइकन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी सर्कल बैटरी लगा रखा है, मैं चाहूँ तो ये वाला भी लगा सकता हूँ, ये वाला भी लगा सकता हूँ, पर मेरे को यही पसंद है तो मैंने यही लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कलर कैसा आया, तो कलर के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको ये दिख रहा होगा
आप इस पे आके क्लिक कीजिए कलर के लिए। देखिए आप इधर इतने सारे कलर आ गए, जैसे मुझे अभी कलर सेट करना है मैं इस पे ले लेता हूँ बैटरी का आइकन पे। देखें मैं एकदम इसे इतना कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए देखिए अब मेरा बैटरी का कलर, देखिए आप देख सकते हैं ना मेरी बैटरी कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल कस्टमाइज हो चुका है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए मैं नेटवर्क स्पीड का भी कलर चेंज करता हूँ, मुझे करना है ब्लू। देखिए ब्लू कर दिया। आप इधर कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट डार्क जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, बहुत ही अच्छा ऐप है FSBI। आप इसको यूज़ करें और अपना स्टेटस बार फुली कस्टमाइज़ करें ताकि ये देखने में अच्छा लगे और आपको भी ये यूज़ करने में अच्छा लगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस कुछ नहीं करना है, एक्सपोज इंस्टॉल करना है और मॉड्यूल एक्टिवेट करना है FSBI डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई हो। सो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई चैनल।